नमस्कार, आप देख रहे हैं इजी शिक्षा। मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान। आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं एक गधे की। बहुत पहले खेक नाम का एक आदमी था जिसने अपने बेटे के साथ एक गधे के बछड़े को पाला। जब बछड़ा बड़ा हुआ तो वो भरे पूरे और चिकने बालों वाला एक सुंदर और मोटा गधा बन गया। अच्छे बड़े गधे को देखकर आदमी ने अपने बेटे से कहा, अब हमारा गधा मोटा और अच्छा हो गया है। अगर हम इसे अभी बेचते हैं तो हमें इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। लेकिन हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं जिसे गधे की जरूरत है, और जिस गांव को किसी की जरूरत है वो यहाँ से बहुत दूर है। अगर हम गधे को उस दूर के गांव में ले जाते हैं तो वो थकान से पतला हो सकता है और इसकी कीमत कम हो जाएगी। हमें अच्छी कीमत कैसे मिल सकती है इसके लिए? अंत में आदमी और उसके बेटे ने फैसला किया कि क्या करना है। उन्होंने गधे को पकड़ लिया, उसके दोनों पैरों को एक दूसरे से कसकर बांध दिया, पैरों के जोड़े के बीच एक डंडा पार किया और उसके दोनों सिरों को कंधा दिया। इस प्रकार वो गधे को दूसरे गांव में ले जाने लगे जहां उसकी अच्छी कीमत मिलने की आशा थी। रास्ते में जाते समय उन्हें ग्रामीणों ने देखा जो ऐसा नजारा देखकर बहुत खुश हो गए। वे हंसते हुए बोले, अरे क्या अजीब बात है, दो आदमी एक गधे को ले जा रहे हैं। उन्होंने उस आदमी को डांटा, बुढ़े ऐसा मत करो, घोड़े बैल हाथी और गधे को कभी भी पुरुषों ने नहीं उठाया है, उन्हें ही अपनी पीठ पर पुरुषों को ले जाना पड़ता है। ये सुनकर पिता और पुत्र ने गधे को उतार दिया और उसे खोल दिया। तब पिता ने पुत्र से कहा, हम सब एक साथ सवारी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे गधे में इतना बल नहीं कि हम दोनों को उठा सके, सो उस पर अकेले सवार हो और मैं तेरे पीछे हो लूंगा। और ऐसा ही युवक ने किया। जब वे दूसरे गांव से गुजर रहे थे तो युवक से पूछा गया, कहाँ की सवारी कर रहे हो लड़के? मैं कोमपांग नामक गांव में जाता हूँ, युवक ने उत्तर दिया। और बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हारे पीछे ये बूढ़ा कौन है? वो मेरे पिता है, युवक ने उत्तर दिया। ये सुनकर गांव वाले क्रोधित हो गए और कहा, तुम कितने कृतज्ञ पुत्र हो, तुम चलने के लिए पर्याप्त मजबूत हो, जब तुम्हारे बूढ़े पिता ऐसे नहीं है, बेहतर होगा कि तुम एक ही बार में उतर जाओ और अपने बूढ़े पिता को गधे की सवारी करने दो। ये तीखी टिप्पणी सुनकर युवक तुरंत ही गधे से उतर गया और वृद्ध ने उसकी जगह ले ली। फिर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। युवक अपने पिता को लेकर गधे के पीछे पीछे चल दिया। कुछ समय बाद वे एक निश्चित गांव के अंत में कुएं के पास आए। इस कुएं के चारों ओर युवतियों की भीड़ थी जो वहां से पानी भरने आई थी। कुछ लोग नहाने के लिए शोर शराबे से अपने शरीर पर पानी डाल रहे थे। गधे के पीछे धीरे धीरे चलते हुए सुंदर युवक को देखकर उन्हें उसके प्रति बड़ी सहानुभूति हुई। वे उस बूढ़े आदमी से ईर्ष्या करती जो गधे पर इतनी आराम से सवार था, जबकि युवक उसके पीछे बहुत ही कठिनाई से चल रहा था। युवतियों ने गधे के पास जाकर बूढ़े आदमी से कहा, ये युवा गधा मोटा और सुंदर है और उस युवक के योग्य है जो उसी सुखी अवस्था में है। तुम्हारे जैसा बूढ़ा आदमी इस पर सवारी करने के योग्य नहीं है। जब बुढ़े और उसके बेटे ने ऐसी भद्दी बातें सुनी तो उन्होंने इस मामले पर चर्चा की, हम दोनों एक साथ गधे पर सवार होंगे, आप आगे और मैं आपके पीछे बैठूंगा, बूढ़े ने फैसला किया। और वैसे ही वे दोनों बैठे हुए अपनी यात्रा जारी करने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक कस्टम हाउस पहुंचे। फिर उन्हें कस्टम हाउस के अधिकारी ने देखा जिन्होंने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो आदमी? हम कोमपांग गांव जा रहे हैं, उन्होंने उत्तर दिया। और अधिकारी ने उन्हें डांटा, तुम्हारा गधा इतना मजबूत नहीं है कि तुम दोनों को ले जा सके, अगर तुम कोमपांग गांव तक सवारी करते रहोगे तो वो पतला हो जाएगा और उसकी कीमत कम हो जाएगी, तुम कितने बुद्धू हो, आप इसे चलने क्यों नहीं देते? फिर वे गधे से उतरे और रस्सी के सहारे उसे ले गए। जब वे खेत में पहुंचे तो उनके आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे दूसरा रास्ता खोजने के लिए इसे पार करने लगे। खेत का मालिक जो वहां काम कर रहा था दूर से चिल्लाया, अरे बुढ़े ध्यान से चलो, मेरा खेत कांटों से भरा है क्योंकि अभी तक उसकी सफाई नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारे पास एक गधा है, तुम उस पर सवारी क्यों नहीं करते? कांटों से बचो, तुम इसे अपने शासक के रूप में क्यों नहीं मानते हो? तुम कितने मूर्ख हो? पिता और पुत्र ने एक दूसरे को देखा। हम सभी लोगों के साथ सहमत नहीं हो सकते, हम जो भी कुछ करते हैं हमें किसी से डांट मिलती है,
अंत में वे सहमत हुए, हमें बस यात्रा करनी होगी जैसे कि हम फिट दिखते हैं, और जैसे ही ये आता है दोष को सहना होगा। वे आगे बढ़े और अंत में गांव पहुंचे। वहां उन्होंने अपने गधे को बहुत अच्छी कीमत पर बेच दिया और बिना समय गवाए घर लौट आए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी शिक्षा को। धन्यवाद।